हेलो फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक सॉल्व करना है वो है मेंसुरेशन। ये क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8 किसी क्लास के लिए भी वैलिड है। हमने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड विद डायमेंशन ए बी एंड सी एंड S डिनोटिंग द सरफेस एरिया, देन प्रूव करना है हमें ये एक्सप्रेशन। तो देखिए, फिगर बनाते हैं। क्यूबॉइड बनाया, फिर वो कहता है कि इस क्यूबॉइड की आपको डायमेंशन दी है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डायमेंशन का ऑर्डर होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो कह रहा है वी डिनोटिंग का वॉल्यूम, और अगर वी वॉल्यूम है और साइड ए बी सी है तो वॉल्यूम हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज वी इज इक्वल टू ए बी सी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको आंसर में वन अपॉन वी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया पहले ही आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा तरीका। क्वेश्चन वन मान के छोड़ दीजिए। नाउ एस डिनोटिंग द सरफेस एरिया, तो ऐसे सरफेस एरिया एक चीज का मतलब बताता है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया मांगा गया हो तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया कहा गया है और कर्व सरफेस एरिया को निकालने वाली कोई पहचान क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो ये हमेशा आपके लिए टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो पीएसए होता है 2 एल इंटू बी, बी इंटू एच एंड एच इंटू एल, तो सबसे हो गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ऐसा देख सकते हैं कि आपको एस भी डिनोमिनेटर में ही चाहिए, तो ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए 2 अपॉन एस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपने क्या किया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर कर दिया। ठीक है, कंपेयर करने से हुआ क्या, देखिए कंपेयर मतलब होता है जब दो डिफरेंट साइड्स किसी सेम चीज के बराबर हो तो कंपेयर करने पर ये सेम चीज गायब हो जाएगी, ये सेम चीज गायब हो जाएगी और डिफरेंट चीजें आमने सामने आ जाएंगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कल स्टेप लिखना है कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो मैं लिखूंगा ABC upon B is equal to 2 by S AB plus BC plus CA। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये ABC नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 upon B है, तो 1 upon B is equal to 2 by S AB plus BC plus CA upon ABC। अब तीनों के नीचे ABC को अलग अलग करेंगे तो जाएगा 1 upon C, 1 upon A और हमारा पॉन बी। तो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया है। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।